क्वेश्चन नंबर 13 तक किया था, आज हम क्वेश्चन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 तक किया था, आज क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि अगर मान लीजिए 13 a इक्वल टू आपको दी हुई है इतना, तो सो डेट ए स्क्वायर प्लस माइनस 5 a प्लस 7 i इक्वल टू 0, हैंस फाइंड ए इनवर्स निकालनी है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन में है ए इनवर्स इक्वल टू 3 माइनस 1 1 और 2। आपको क्या फाइंड आउट करनी है, ए स्क्वायर माइनस 5 ए प्लस 7 i दिस इक्वल टू 0 यू हैव टू प्रूव। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे और एंड फाइंड ए इनवर्स। तो एज वी नो दैट हम जानते हैं कि ए इनवर्स ए दैट इक्वल टू ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इनवर्स आ जाएगा, उसी को बेस मानकर हम क्वेश्चन बनाएंगे। यहाँ पे हमारी जो ए स्क्वायर लिखी है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए स्क्वायर बनाएंगे। ए स्क्वायर में क्या लिखेंगे, 3 माइनस 1 1 और 2, 3 माइनस 1 1 2, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, 9, ये 7 के बेस पे मल्टीप्लाई करते हैं, 9 माइनस 1 3 प्लस 2 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 4, आपके पास ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर यहां पे हो जाएगा 8 5 माइनस 5 और 3 हो जाएगा यहां पे। अब हमारे पास इक्वेशन जो है वो हमारे पास क्या, अगर टू प्रूव हमें प्रूव करनी है ए स्क्वायर माइनस 5 ए प्लस 7 i इक्वल टू 0, तो ए स्क्वायर के प्लेस पे हम लिख सकते हैं 8 माइनस 5 5 3 माइनस 7, तो 7 यहाँ पे होगा, 3 माइनस 1 1 और 2, यहां पे माइनस सेवन प्लस सेवन, यहां पे -7 नहीं था प्लस, यहां पे 5 था, यहां पे 5 है, फिर यहां पे 7 है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसे लिखा जा सकता है, हम इसी में अगर मैं लिखूं तो कैसे लिखूंगा, यहां पे 8 लिखूंगा, -5 × 3 15, -15 लिखूंगा, फिर +7 लिखूंगा,
यहाँ पे 5 लिखूंगा, माइनस 5 लिखूंगा, प्लस 0 लिखूंगा, यहाँ पे माइनस 5 लिखूंगा, प्लस 5 लिखूंगा, यहाँ पे मैं कितना लिख सकता, प्लस 0 लिखूंगा, यहाँ पे मैं 0 लिखूंगा, यहाँ दूसरी केसेस में क्या है, यहाँ पे 3 है तो 3 लिखूंगा, 5 से इसको मल्टीप्लाई करके 2 को, तो माइनस 10 लिखूंगा, यहाँ पे प्लस 7 लिखूंगा। अल्टीमेटली आपके पास क्या यहाँ पे आ गया, 0 0 0 0। हमने प्रूव कर दिया कि ये 0 के बराबर है। अब हमें इसको प्रूव करने के बाद हमें क्या प्रूव करनी है, प्रूव कीजिए कि ए इनवर्स फाइंड आउट करनी है, हमें ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम, वो देखिए, वी हैव ए एक्स स्क्वायर माइनस 5 ए प्लस 7 i इक्वल टू 0 और ए स्क्वायर 5 ए माइनस 7 i मल्टीप्लाइड बाय ये इनवर्स इन बोथ साइड। अब आप देखिए, ये यहां पे था, हम ए स्क्वायर को ए इंटू ए इनवर्स लिख सकते हैं, माइनस 5 ए इनवर्स लिखा जा सकता है, माइनस 7 i ए इनवर्स लिखा जा सकता है। तो यहां पे अल्टीमेटली क्या होगा, ए इनवर्स दैट इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहाँ पे ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, 5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, माइनस 7 ए इनवर्स हो जाएगा, ए इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए इनवर्स दैट इक्वल टू ए इनवर्स। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आ जाएगा, तो यहाँ पे ए हो जाएगा, माइनस 5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 0 1 0 1 माइनस 7 ए इनवर्स हो जाएगा और इसी को 7 ए इनवर्स। अब इसी को ए के प्लेस पे हम कितना पुट करेंगे, ए के प्लेस पे हमारे पास था जो क्वेश्चन में 3 माइनस 1 1 2 3 माइनस 1 1 और 2 माइनस 5 0 0 5 दैट इक्वल टू आपको माइनस, दिस इंप्लाइज दैट माइनस 7 ए इनवर्स। अल्टीमेटली ए इनवर्स इक्वल टू कितना लिखा जा सकता है, माइनस 7 ए इनवर्स 3 माइनस 5 1 माइनस 0 माइनस 1 माइनस 0 2 माइनस, यहां पे कितना लिखा जा सकता है, 2 माइनस 5 लिखा जा सकता है। अब यहां पे ए इनवर्स इक्वल टू कितना लिखा जा सकता है, ए इनवर्स इक्वल टू ये उस साइड में माइनस 7 हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 7, यहां पे माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा, ए इनवर्स अल्टीमेटली क्या निकल जाएगा आपका, माइनस 2 बाय 7 माइनस 7, -1 upon -7 1 upon -7 -3 upon 7, दिस विल बी योर ए इनवर्स हो जाएगा, ये इनवर्स आपके पास इतना हो जाएगा, ठीक है। तो अब माइनस आप यहां से भी कॉमन ले सकते हैं, यहां से भी कॉमन ले सकते हैं, नेगेटिव हो जाएगा,
अल्टीमेट आपको ए इनवर्स इक्वल टू कितना निकल जाएगा, ए इनवर्स इक्वल टू 1/7 टू 1 माइनस 1 टिप 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। हमने नेगेटिव कॉमन ले लिया, हमारे पास ए आंसर हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे 13 हो गए। अब 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 में क्वेश्चन है a इक्वल टू 3211, फाइंड द नंबर ऑफ a एंड b सच दैट a स्क्वायर ab + bi इक्वल टू 0। ये आपका इक्वल मैट्रिक्स दिया हुआ है, a और b की वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, 14 में हमारे पास है a इक्वल टू 3121। अब आपको a एक्स स्क्वायर प्लस a दिस बी आई इक्वल टू 0 दिया हुआ। अब सबसे पहले हम a एक्स स्क्वायर निकालेंगे, 3121 यहां पे कितना जाएगा, 3 3 9 प्लस 2 6 3 2 6 2 1 2। अब इससे करेंगे 3 + 1 2 + 1, ये अल्टीमेटली हमारे पास कितना आ जाएगा, 11। यहां पे आपका कितना हो जाएगा, ये 11 हो गया, और 11 के बाद यहां पे हो जाएगा 8, यहां पे हो जाएगा 4, यहां पे हो जाएगा 3। तो दिस इज योर ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू हमने निकाल लिया 11 8 4 3। अब हम इक्वेशन में आएंगे, इस इक्वेशन से हम आते हैं, इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे देखिए, हम लिखेंगे 11 4 8 3, एक मैट्रिक्स ये हो गया। दूसरी मैट्रिक्स हो जाएगा ए दिस, तो यहां पे प्लस है ए, ए मैट्रिक्स कितनी है 3 2 1 1 प्लस बी आई 1 1 0 0। अल्टीमेटली ये मैट्रिक्स कितना हो जाएगा, 11 4 8 3 प्लस 3 a 2 a a a प्लस b b 0 0, ये मैट्रिक्स इतना हो जाएगा। अल्टीमेटली लास्ट में हम क्या लिखेंगे इसको, 11 + 3a + b, फिर क्या लिखेंगे, 8 + 2a प्लस 0, फिर 4 + a + 0, 3 + a + b, this is the one matrix, this is equal to 0, this is equal to 0।
ये दिया हुआ है। तो हम इस इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन से हमें चार इक्वेशन बनेगा। एक तो ये 4 प्लस ए इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो 4 प्लस ए इक्वल टू जीरो, ए इक्वल टू माइनस 4 हो जाएगा। 3 प्लस ए प्लस बी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो 3 प्लस ए दिस इक्वल टू जीरो, तो उस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 प्लस ए प्लस बी दिस इक्वल टू जीरो, 3 माइनस 4 प्लस बी दिस इक्वल टू जीरो, बी इक्वल टू 1 हो जाएगा, हमारे पास बी इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो बी इक्वल टू 1 हो गया और ए इक्वल टू माइनस 4 हो गया। ये इक्वेशन को मैंने यूज करके हमने बना लिया, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 था, फाइंड द मैट्रिक्स ए, फाइंड द नंबर ए एंड बी सच दैट दिस इज द इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज सैटिस्फाइड। अब नाउ ये क्वेश्चन नंबर 15 और 16 एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस है 13 और 14 के जैसा, इसमें डिफरेंसेस क्या है, वो 13 और 12 जो था, 13 और 12 जो था वो आपको 12 और 13 सेम था, तो मैंने इसमें 12 नंबर बनाया। 14 नंबर क्वेश्चंस मैंने ये बनाया और 15 और 16 सेम है, उसमें जैसे हमने 12 और 13 देखा था उसमें 2x2 मैट्रिक्स था, इसमें 3x3 मैट्रिक्स है और बाकी सारा सेम है। ये प्रूफ करनी है, प्रूफ के बाद आपको ए इनवर्स फाइंड आउट करनी है। चलिए क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पंद्रह नंबर क्वेश्चन, पंद्रह नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पंद्रह नंबर क्वेश्चन में है ए इक्वल टू आपकी मैट्रिक्स दी हुई है 1, 1, 2, 1, 2, -1, 1, -3, 3, ये है। और आपको क्या बोला कि सो दैट ए क्यू माइनस 6ax² प्लस 11i दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में ए क्यू हमें निकालना पड़ेगा, तो ax² पहले निकालिए, ये x² में 1, 1, 2, 1, 2, -1, 1, -3, 3 हो जाएगा। फिर यहां पे 1, 1, 2, 1, 2, -1, 1, -3, 3 हो जाएगा। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करनी है, तो सर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, वो 7 के जैसे ज्यादा रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले में 1, 1, 1 है, ये है मल्टीप्लाई, तो 1 प्लस 1 प्लस 2, फिर 1 प्लस 2 प्लस -1, 1 -3 प्लस 3, 1, 2, 3 है, तो 1 प्लस 4 प्लस 3। हमने इसको और इसको मल्टीप्लाई किया, 1 प्लस 2 यहाँ पे 2 हो जाएगा, 1 प्लस 2 -6,
इसको मल्टीप्लाई किया गया, वन आ गया, इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर हो जाएगा यहाँ पे, और इस ये टू हो जाएगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई हम करने जा रहे हैं, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस सिक्स हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई अब करनी है तो वन हो जाएगा, प्लस फोर हो जाएगा, प्लस थ्री हो जाएगा, फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करनी है तो वन हो जाएगा, माइनस सिक्स हो जाएगा, माइनस सिक्स हो जाएगा, और माइनस नाइन हो जाएगा। अब हमें क्या करनी है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करनी है, तो टू माइनस वन, टू माइनस वन प्लस सिक्स, टू माइनस वन प्लस सिक्स, फिर इसको और इससे मल्टीप्लाई करनी है तो टू माइनस टू माइनस थ्री, फिर इसे और इसे मल्टीप्लाई करनी है टू प्लस थ्री और ये प्लस नाइन। अब फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पे ये फोर हो जाएगा, ये माइनस थ्री हो जाएगा, यस माइनस थ्री, फोर माइनस थ्री और सेवन हो जाएगा, ये टू हो जाएगा, यह एट हो जाएगा, और यहां पे माइनस थ्री हो जाएगा, यहां पे वन हो जाएगा, यहां फोर्टीन हो जाएगा, माइनस फोर्टीन, और ये हो जाएगा क्या, टू प्लस थ्री, ये प्लस फोर्टीन हो जाएगा, ये हमारे पास आ गया ए स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर। अब हमें ए क्यू निकालनी है, तो ए क्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए एक्स स्क्वायर ए करना पड़ेगा। अल्टीमेटली हम क्या लिखेंगे, फोर माइनस थ्री सेवन, टू एट माइनस थ्री वन, माइनस फोर्टीन और फोर्टीन, ऐसे लिखेंगे। यहां पे कितना हो जाएगा, वन वन टू, वन टू माइनस वन, वन माइनस थ्री थ्री, ये हो जाएगा। हम यहां पे फिर उसी तरह बनाएंगे जैसे हमने इसमें बनाया, मल्टीप्लाई करेंगे, फोर वन फोर हो जाएगा, टू वन टू हो जाएगा, और ये वन और ये टू प्लस टू हो जाए, इसको इससे मल्टीप्लाई करनी है तो फोर प्लस फोर माइनस वन, यहां पे देखिएगा बेटा फोर माइनस, यहां पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे फोर, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सिक्स, और ये हो जाएगा प्लस थ्री। अब नेक्स्ट में चलेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले पर फोर टू टू, फोर फोर माइनस वन, फिर फोर माइनस सिक्स प्लस थ्री, ठीक है। अब इसे करेंगे माइनस थ्री, यहां करेंगे माइनस
और इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 16 2, और ये 14 और माइनस 1 प्लस 14। अब फिर इसे और इसे माइनस 3 मैंने इसको पहले से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3 8 यहां पे 8 होगा। माइनस 3 हो गया और 8 हो जाएगा, फिर यहां पे 14 और यहां पे 2 माइनस 28 हो जाएगा। माइनस 3 8 2 जा प्लस 16 14 प्लस 14। अब देखिए यहां पे इसको और इससे मल्टीप्लाई कर लिया माइनस 3 8 माइनस 24 माइनस 24 और ये 14 और 3 दिस माइनस 24 माइनस 3 माइनस 24 14 माइनस 42 माइनस 42। अब लास्ट वाले रो को 7 माइनस 3 प्लस 28। अब फिर देखिए 7 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 14। अब फिर देखिए 7 प्लस 9 माइनस माइनस प्लस 14 इंटू 3 प्लस 42 ये हो जाएगा। तो अल्टीमेट आपको यहां पे सबसे पहले जो लिखेंगे यहां हम कितना लिखेंगे यहां 8 हो जाएगा। यहां मैं यहां पे लिख रहा हूं इसको पहले केस में तो यहां पे ए क्यू इक्वल टू कितना हो गया 8। फिर दूसरे केस में देखिए 4 4 माइनस 1 7 हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 7। फिर नेक्स्ट केस में देखिए यहां आपको प्लस 1 6 माइनस आपको कितना हो जाएगा यहां पे 7 ये 1 हो जाएगा 1। फिर नेक्स्ट केस में देखिए 14 प्लस 3 28 20 23 माइनस 23 हो जाएगा, यहां पे माइनस 23 हो जाएगा। अब देखिए यहां पे 35 हो जाएगा, 35 पे माइनस 32 हो जाएगा, यहां पे 32 हो जाएगा। अब यहां पे होगी देखिए ये 30 हो जाएगा, 30 से घटा देंगे 27 हो जाएगा, यहां 27 हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए ये माइनस माइनस 27 घट जाएगा 13 हो जाएगा, माइनस 13 हो जाएगा।
अब यहां पे देखिए 42, ये तीनों का तीनों माइनस है, ये आपको -45 हो जाएगा, 69 हो जाएगा माइनस, माइनस का 69 हो जाएगा यहाँ पे। फोर्टी टू ये 16, 58 हो जाएगा, या एक क्यू निकल गया हमारे पास। हमें निकालनी है ए क्यू, हमें जो निकालना है वो देखिए, हमें क्या निकालना है, ए क्यू माइनस 6ax² प्लस 5a प्लस 11i, दिस इक्वल टू 0 प्रूव करनी है। तो अगर मान लिया जाए मैंने यहां पे लिखा ए क्यू, ए क्यू 8 माइनस 23, 32, 7, 27, माइनस 13, 1, माइनस 69, 58, ये मैंने यहां पे लिख दिया, ठीक है। माइनस 6ax², तो 6 यहां पे लिखेंगे, ax² हमने यहां पे निकाला हुआ है, ए स्क्वायर कितने निकली हुई है, 421, -3, 8, 14, 7 -3, 14। तो हम यहां पे क्या लिख देंगे, 421 -3, 8 -14, 7 -3, 14, ऐसे लिखेंगे। फिर यदि हमें आपको आई है +6 ए, तो ए के प्लेस पे क्या था, 1 1 1 2 1 2 -3 2 -1 3। फिर आपके पास क्या था, फिर इसके बाद क्या था, फिर इसके बाद था प्लस, इसके बाद प्लस 11 1 0 0 0 1 0 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको हमें सिंप्लीफाई करनी है। अब इसको देखिए हम यहां पे कैसे लिखेंगे, इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए यहां पे 8 है तो 8 लिखेंगे, यहां पे 4 है लेकिन बाहर 6 है, तो 6 4 24 होता है, माइनस है तो -24 लिखेंगे। फिर यहां पे 6 है, यहां पे 1 है, +6 लिखेंगे। फिर यहां पे 11 है, यहां पे 1 है, तो +11 लिखेंगे। पहला कदम। अब हम इसे देखेंगे -23, तो यहां पे -23 लिखेंगे, यहां पे -6 है लेकिन यहां पे -3 है, तो 6 3 18, माइनस माइनस प्लस, प्लस 18 लिखेंगे। अब 6 इंटू क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, यहां पे आपको 6 हो जाएगा, और 11 इंटू 0 लिखेंगे, जो एलिमेंट है वो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम जोड़ते जाएंगे। अब हम क्या लिखेंगे, यहां पे 32 32, यहां पे 6 7 जा 42, लेकिन माइनस है तो -42 हो जाएगा। अब 6 यहां पे 2 से है तो +2 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहां पे 11 इंटू 0, यहां पे 0 है तो इसीलिए +0 हो जाएगा। अब हम सेकेंड कलम का देखते हैं, सेकेंड कलम के बारे में, यहां पे 7 है तो 7 लिखेंगे, यहां पे 2 है, यहां पे 6 है, 6 2 जा 12, माइनस -12 लिखेंगे, यहां पे 6 है, यहां पे 1 है, प्लस हम 6 लिख देंगे, यहां पे 11 है, यहां पे 0 है, +0 लिख देंगे। अब इस केस में आएंगे यहां पे, यहां पे
अब 27 है तो यहाँ पे 27 लिखेंगे, यहाँ पे 8 है और 6 है, 6 8 जब 48 माइनस है तो -48 लिखेंगे, यहाँ पे 6 2 जा 12 +12 लिखेंगे, यहाँ पे 11 1 जा +11 लिखेंगे। अब लास्ट वाले केस में आएंगे, यहाँ पे -13 है तो -13 लिखेंगे, यहाँ पे -3 है लेकिन -6 से मल्टीप्लाई है तो 6 3 जा 18 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे +18 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 6 है, यहाँ पे -1 है तो -6 लिखेंगे, प्लस यहाँ पे क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। ठीक है, अब ऐसे हम करते हुए जा रहे हैं, यहाँ -13 18 यहां पे 0 नहीं बन रहा है, यहां पे कितना हो जाएगा, -24 8 -16 ये -16 और 11 +6 17 चेक करते हैं थोड़ा, यहाँ मिल नहीं रहा है, यहाँ पे 0 होना चाहिए, यहाँ पे भी 0 नहीं हो रहा। 8 -23 32 7 27 -13 1 -69 58 ठीक है, -6 4 -3 7 2 8 -3 1 -14 +14 6, ये 6 नहीं है, ये यहाँ पे 5 है, यही गलत हो रही। क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 11 ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या है, 5 हो रहा है, देखिए ये 5 है, ये मिस्टेक हो रही, ठीक है इसको ठीक कर लेते हैं, यहाँ पे 5 है तो तीसरा पार्ट यहां पे 5 होगा, तीसरी यहां पे जो 6 है वहां पे 5 हो जाएगा, और जहां पे आपको 6 से मल्टीप्लाई करके 12 लिखी गई है यहां पे 10 होगा। तीसरे केस में यहां पे 5 होगा, यहां पे आपको 10 हो जाएगा, यहां पे -5 हो जाएगा, ठीक है अब ठीक हुआ, ठीक है अब देखिए आप, अब हम फिर देखेंगे ये वाली, यहां पे 1 हो जाएगा, यहां पे -6 हो जाएगा, यहां पे +5 हो जाएगा और यहां पे 0 हो जाएगा, मैंने किसे कहा इसको, अब मैं यहां पे कर रहा 69 ये, और ये और ये +42 यहां पे, ये और ये +42 69 42 42 84 यहां पे हो जाएगा 84, और यहां पे आपको 5 है और 3 है माइनस के साथ तो -15 +0, यहां पे देखिए 58
ये और ये माइनस 484, ये और ये प्लस 50, और प्लस 11। अब यहां पे देखिए 11 प्लस दैट इज जीरो। अब ये वाली चीजें हमें प्रूव हो गई, 8 माइनस 24 -16 दिस दिस इज अ जीरो, -23, 18 प्लस 5 23 दिस इज अ ऑल्सो जीरो, -42 ये है, ये 10 है, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। इसको ऐड कीजिए, 48 है, ये आपका 21 है, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी आपका जीरो हो जाएगा। अब यहां पे आपका माइनस, ये भी आपका जीरो हो जाएगा, यह भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। ये हमने प्रूव करने में कामयाब हो गए, सारे जीरो हो गया, यह सारा जीरो हो गया, ये हमने प्रूव करने में कामयाब हो गए कि सारे की सारी हमारी जीरो आ गए। अब हमें ये इनवर्स निकालना, ये इनवर्स, तो वी हैव इक्वेशन, इक्वेशन क्या है, टू फाइंड ए इनवर्स, ए इनवर्स निकालनी है। व्हाट वी हैव इक्वेशन, वी हैव इक्वेशन, वी हैव ए क्यूब -6ax² +5a +11i दिस इक्वल टू जीरो दिया हुआ है। हम इसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स, ए इनवर्स इन बोथ साइड, बोथ साइड से हमने मल्टीप्लाई किया, तो यहां ए स्क्वायर था ए इंटू ए इनवर्स, -6a था ए इनवर्स, +5a ए इनवर्स, +11i ए इनवर्स, दिस इक्वल टू जीरो इंटू ए इनवर्स। अब देखिए यहां आपके पास हो जाएगा ए स्क्वायर, क्योंकि ए इनवर्स, ए इंटू ए इनवर्स दैट इक्वल टू आई होता है, और ए स्क्वायर आई दैट इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा, ए इंटू आई दैट इक्वल टू ए हो जाता है। ए स्क्वायर -6a +6 5i +11 ये इनवर्स हो जाएगा, दैट इक्वल टू जीरो हो जाएगा यहाँ पे, इट मीन्स आई इंटू ए इनवर्स दैट इक्वल टू आई ए इनवर्स। अब हमें ए इनवर्स निकालनी है, तो हम अगर इसको उस साइड लेकर जाए, जैसे ए स्क्वायर हमने कितना निकाला था, देखिएगा सर, ए स्क्वायर हमने ऑलरेडी निकाल चुके, और यहां पे इसकी वैल्यू हम लिखेंगे ये इनवर्स इक्वल टू -1/11, क्योंकि ये दूसरे साइड में जाएगा तो माइनस होगा, फिर यहां पे क्या लिखेंगे, ax² -6a +5i, तो यहां हम ए स्क्वायर इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है, ए स्क्वायर इक्वल टू हमने निकाला था 4 -3 7, 2 8 -3, फिर 1 -14 14, ए स्क्वायर हो गया, प्लस 6a, a के प्लेस पे हमारे पास क्या था,
ए के प्लेस पे, 1 1 1 1 1 1 2 -3 -3 2 -1 2 -1 3 +5 यहां पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इतना लिखा जा सकता है। This equal to -11 ये इनवर्स आ जाएगा। अब सबके साथ हम यहां पे लिखने की कोशिश करते हैं, कलर को चेंज करके। देखिए यहां पे 4 है तो 4 है, ये माइनस है बेटा, माइनस है, गलती से यहाँ पे माइनस था, माइनस ये 4 है तो 4 होगा और ये -6 हो जाएगा यहाँ पे, इसके साथ +5 हो जाएगा यहाँ पे, -3 और ये -6 और यहाँ पे 0 हो जाएगा, 7 -12 ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, -12 और ये 0 हो जाएगा। अब यहां पे लिखेंगे आप 2 -6 + 0, 8 -12, ये 6 से इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, -12 यहाँ पे +5 हो जाएगा, यहाँ पे -3 -6 -1 + 6 + 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 -6 1 -6 + 0, फिर -14 -+++15 और +0 हो जाएगा, 14 -18 -18 और ये कितना हो जाएगा, +5 हो जाएगा। दिस इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, -11 ए इनवर्स हो जाएगा। दिस इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं यहां पे, देखिए दिस, यहां पे 3 हो जाएगा, यहां पे -9 हो जाएगा, यहां पे कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, यहां पे -4 हो जाएगा, यहां पे 1 हो जाएगा, यहां आपका कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये जो होगा -5 हो जाएगा, -5 और ये +1 हो जाएगा, +18 है बेटा, ये -6 -3 18 तो ये आपका 4 हो जाएगा, -14 और यहां पे -6 है और ये -3 है, -6 -3 -14 -6 यहां पे आपका साइन 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और यहां पे देखिए
ये आपका 19, यहाँ पे 1 हो जाएगा। यहाँ आपका 1 हो जाएगा। ये मैंने कोई गलत लिखा है क्या यहाँ पे? चलिए ये हो गया। अल्टीमेट हमारे पास क्या आ गया? -11 ए इनवर्स इक्वल टू -395 4 -1 -3 5 4 1। यहाँ पे साइन चेक कर लेते हैं, माइनस 11 इक्वल टू ए इनवर्स इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? -1/11 -3 9 5 4 -1 -3 -5 4 1। अल्टीमेटली ये कितना लिखा जा सकता है? 1/11 माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या लिखेंगे? 3 -9 -5 -4 1 3 5 -4 -1 ए इनवर्स इज इक्वल टू। ठीक है, तो हमने ये कंप्लीट किया। अब क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन, ये 15 नंबर क्वेश्चन किया हमने, 16 किया, ये आपको एग्जैक्ट 15 के जैसे ही 16 नंबर क्वेश्चन ये आप खुद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, 17 17 नंबर क्वेश्चन में क्या है? लेट ए बी द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, देन एडजॉइंट ए इज इक्वल टू दिस 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 और दिस। एडजॉइंट ए इज इक्वल टू कौन सा होगा आपको ये दिखाना है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, उस एग्जांपल के बेसिस पे हम एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। उस एग्जांपल को आप देखिए पहले, अब देखिए यहां पे हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स की एडजॉइंट निकला हुआ है और ये मैट्रिक्स का एडजॉइंट है। अब वो मैट्रिक्स ये है, ये 24 नंबर क्वेश्चन, ये मैट्रिक्स है 1 1 1 3 4 4 3 3 4। इस मैट्रिक्स की उन्होंने वेरीफाई दैट ए इंटू ए एडजॉइंट, ए इंटू ए एडजॉइंट का मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडिटिव मैट्रिक्स, ए हमें प्रूव करनी है एंड फाइंड ए इनवर्स। ये अगर किसी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटरमिनेंट ए और आपको ये आता है। उन्होंने क्या कहा कि अगर मान लीजिए किसी मैट्रिक्स को उस मैट्रिक्स की एडजॉइंट के साथ आप मल्टीप्लाई करते हैं, उस मैट्रिक्स की एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटरमिनेंट ए इनटू आई मैट्रिक्स आ जाता है। अगर किसी मैट्रिक्स की एडजॉइंट को उस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटरमिनेंट ए इनटू आई आ जाता है। ये हमें वेरीफाई करनी है, हमें प्रूव करनी है और इस क्वेश्चन में आपको प्रूव करके दिखाई गई है, इस क्वेश्चन में आपको प्रूव करके दिखाई गई है यहाँ पे ऐसे। जैसे क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 24 नंबर क्वेश्चंस में
24 नंबर क्वेश्चन में, यहाँ पे a इंटू एडज्वाइंट, ये एडज्वाइंट यहाँ पे निकाली गई, ये मल्टीप्लाई किया गया, ये जीरो मैट्रिक्स आ गया। और यहाँ डिटरमिनेंट a निकाली गई है, डिटरमिनेंट a की वैल्यू भी आपका क्या है, डिटरमिनेंट a की वैल्यू, डिटरमिनेंट a की वैल्यू 1 है, डिटरमिनेंट a की वैल्यू 1 है। तो हम एडज्वाइंट a, तो ये हमें निकल, ये बात को माइंड में रखना पड़ेगा। इसी से हम ये 18 नंबर क्वेश्चन हम प्रूफ करेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए हमें क्या फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 18 में इफ ए इज अ इनवर्टिबल मैट्रिक्स, मैंने उसको मैट्रिक्स निकाला जा सकता है, सॉरी 17, ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मींस उसको इनवर्स निकाला जा सकता है, डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, 3 into 3, देन एडजॉइंट ए इज इक्वल टू दिस, देन एडजॉइंट ए इज इक्वल टू दिस। अब देखिए हम इसे, हम आपको प्रूफ करके हम बता रहे हैं इस क्वेश्चंस को, 17 नंबर क्वेश्चंस को, और फिर 17 नंबर क्वेश्चन के बाद में हम देखते हैं। अब 17 नंबर क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे देखते हैं। अगर सपोज कीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए, इस मैट्रिक्स को अगर हम एडजॉइंट ए इंटू ए करते हैं तो हमारे पास डिटरमिनेंट ए इंटू आई मैट्रिक्स आता है, यून एडजस्टमेंट। तो हमारे पास अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ए, ये आपको मैं यहां पे एक्सप्लेन करता हूं, डिटरमिनेंट ए आई मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसके प्लेस पर हम क्या लिखें, डिटरमिनेंट ए 0 0 0, डिटरमिनेंट ए 0 0 0, डिटरमिनेंट ए आ जाएगा। अब बात को समझिए, अगर मैं इसकी मैं डिटरमिनेंट निकालूं एडजॉइंट ए इनटू ए का डिटरमिनेंट मैं निकाल, तो ये सेम को मैं क्या कर सकता हूं, डिटरमिनेंट कर सकता हूं, ये आपका ऐसे हो जाएगा, डिटरमिनेंट ए 0 0 0, डिटरमिनेंट ए 0 0 0, डिटरमिनेंट ए, मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब इसमें क्या होगा, ये को बाहर निकाल लीजिए, डिटरमिनेंट आ गया, इससे डिटरमिनेंट्स को बाहर निकाल लीजिए, डिटरमिनेंट हो गया, इससे भी डिटरमिनेंट ए को बाहर निकाल लीजिए, डिटरमिनेंट हो गया, और यहां पे क्या बच जाएगा, ये 0 0 0 1 0 0 0 1 हो जाएगा यहाँ। अल्टीमेट ये क्या होगा, ए डिटरमिनेंट का क्यूब, ये डिटरमिनेंट का क्यूब हो जाएगा आपका, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, तो अल्टीमेट आपका कौन सा होगा, ये आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी। अब आप देखिए हम यहां पे कौन सा आंसर होगा, 17, डिटरमिनेंट ए एक्स स्क्वायर है, एडजॉइंट है। अब आपको एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ए, तो हमने क्या मल्टीप्लाई किया था, देखिएगा सुनिए, हमने मल्टीप्लाई किया था
एडजॉइंट ए एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट ए ए क्यू आ गया एडजॉइंट ए का वन अपॉन डिटर्मिनेंट ए ए क्यू हो गया ए एक्स स्क्वायर बी इज द आंसर बी पार्ट इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन में देखिए आपका क्या है। If A is invertible matrix order 2 into 2, then A inverse is equal to, A inverse equal to क्या होता है? A inverse equal to 1 upon determinant A adjoint A, ये तो फॉर्मूला होता है 1 upon determinant A adjoint A। अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स A है ए बी सी डी, एडजॉइंट ए कैसे निकलेगा? 2x2 मैट्रिक्स में बहुत आसान है, इसको रिप्लेस कर दो डी और यहां पे ए आ जाएगा, इसकी साइन चेंज कर दो बी हो जाएगा। अगर मान लीजिए मैं इसकी डिटरमिनेंट निकालता हूं तो क्या लिखूंगा? ए डी माइनस बीस, यही तो लिखूंगा। तो यहां पे अगर मैं इस मैट्रिक्स को लिखूं 1 अपॉन एडजॉइंट ए डिटरमिनेंट ए, यहां पे क्या लिखूंगा? डी माइनस बी माइनस सी ए और यहां पे ए लिखूंगा, ठीक है। अब इसको ए इनवर्स में क्या लिखूंगा मैं? डी डिटर्मिनेंट ए माइनस सी डिटर्मिनेंट ए माइनस बी डिटर्मिनेंट ए ए डिटर्मिनेंट ए, ऐसे ही तो लिखूंगा मैं, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। अब ए इनवर्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो सेम चीजें हम क्या लिखेंगे? डिटरमिनेंट में लिखेंगे डी, ये इनवर्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो डी सी माइनस बी डिटरमिनेंट निकालेंगे, ए डिटरमिनेंट निकालेंगे, क्लियर। अब आप देखिए यहां पे हमने यहां पे क्या लिखा, ए डिटरमिनेंट यहां पे कॉमन हो गया, यहां से कॉमन हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहां पे डी हो जाएगा, यहां पे माइनस बी हो जाएगा, यहां पे माइनस सी हो जाएगा और यहां पे ए हो जाएगा। अल्टीमेट ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डी ये बी सी माइनस BC होता है, डिवाइडेड बाय A डिटरमिनेंट का स्क्वायर। ये तो आपका डिटरमिनेंट की तो वैल्यू थी A डिटरमिनेंट का स्क्वायर, तो ये कट गया, ये डिटरमिनेंट A डिटरमिनेंट 1 अपॉन A डिटरमिनेंट बच जाएगा, 1 अपॉन A डिटरमिनेंट बच जाएगा। अब 1 अपॉन A डिटरमिनेंट जो होगा सो आंसर हो जाएगा आपका, देखिए ये B पार्ट आंसर हो जाएगा, बी इज द आंसर, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, बी इज योर आंसर, बी आंसर। ओके, थैंक यू क्लास, प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एचएल गुप्ता क्लासेस फॉर मोर अपडेट्स एंड अदर क्लासेस। ओके, थैंक यू।